Hey guys, once again, welcome in today's video, friends. आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, लास्ट वीडियो में हम लोग ने डिस्कस किया मैथ्स के टॉपिक्स के ऊपर। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि फिजिक्स में कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो कि तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं और कम मेहनत पे ज्यादा आउटपुट लेके आ सकते हो, और लाइक थोड़ी मेहनत पे ज्यादा आउटपुट लेके आ सकते हो। तो ऐसे टॉपिक्स के बारे में हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। करेक्ट भाई, जो भी चैनल पे पहली बार आया हो, WBG का मोस्ट रेलेवेंट कंटेंट अक्रॉस कंप्लीट इंटरनेट आपको इस चैनल पे मिलेगा। एडू मोटिवेशन भाई आकाश श्रीवास्तव, और मैंने खुद ने IIT धनबाद से बीटेक की पढ़ाई करी हुई है, तो आई रियली नो कि यार तुम किस तरीके से इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। एंड जो भी इस एग्जाम का पूरा चिट्ठा है ना, वो मैं तुम्हें बताऊंगा। करेक्ट, तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। करेक्ट कि तुम्हें कम इनपुट में आउटपुट ज्यादा मिले, ऐसे जो टॉपिक्स हैं, तो ये 15 मार्क्स का वेटेज रखते हैं 50 में से ये टॉपिक। तो ये टॉपिक ऐसे हैं, जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर है जो पहला टॉपिक है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी में। नेक्स्ट है हम लोग का हीट्स एंड थर्मोडी, एंड नेक्स्ट हम लोग का ऑप्टिक्स हो गया, एंड नेक्स्ट हम लोग का सेमी कंडक्टर्स। तो ये अगर आप चार टॉपिक पढ़ के जाते हो तो आपको एक बहुत ही अच्छा आउटकम मिलने वाला है। देन नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें हाई इनपुट हाई आउटपुट, जिसमें आपको ज्यादा दम भी लगानी पड़ेगी और आउटपुट भी आपको जबरदस्त वाला मिलेगा। करेक्ट, ये है पूरा इलेक्ट्रोस्टैट, क्योंकि ये बड़ा टॉपिक है। मैग्नेटिज्म बहुत बड़ा टॉपिक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी, ये सारे 12th के जो इनिशियल टॉपिक हैं, ये टॉपिक बहुत बड़े हैं। जिन भी लोगों ने लाइक फिजिक्स पढ़ रहे होंगे, आपने 12th में सबसे ज्यादा टाइम अपना इन्हीं चैप्टर से बिताया हुआ है, तो अगर आपने ढंग से पढ़ा हुआ है तो इससे आपको बहुत बेहतर आउटकम मिलने वाला है। अराउंड 15 मार्क्स के लगभग के, 15 मार्क्स के लगभग के ये भी आएंगे। करेक्ट, नेक्स्ट हम लोग बात करें, यहाँ पे आप हाई इनपुट दोगे तो लो आउटपुट मिलेगा, ये टॉपिक्स आप छोड़ भी सकते हो अगर आपका मन हो तो, पर ज्यादा क्वेश्चन इससे नहीं पूछे जाते हैं या नहीं पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर्स में अभी तक जो देखा गया है। तो इसमें आता है वर्क पावर एनर्जी, रोटेशनल मोशन, लॉज ऑफ मोशन, ये टॉपिक्स ऐसे हैं जिनमें आपको इनपुट बहुत जबरदस्त देना पड़ेगा। रोटेशन पढ़ने में लोगों की ऐसे दसी हो जाती है 11th में, तो टाइम बहुत ज्यादा देना पड़ेगा इनपुट में और आउटपुट आपको कम मिलने वाला है। तो अपनी कंफर्टेबिलिटी के हिसाब से अगर आपको इनमें से कोई टॉपिक है जो कि वीक लग रहा है, कम लग रहा है, आपको आता नहीं है अच्छे से, तो आप वो टॉपिक छोड़ भी सकते हो। नेक्स्ट अगर हम लोग डिस्कस करें मॉडरेट इनपुट में, मॉडरेट आउटपुट आपको मिलेगा, जो ठीक ठीक इनपुट दोगे ठीक ठीक आउटपुट मिलेगा। करेक्ट, ये ऐसे हैं ऑसिलेशन एंड वेव्स। और नेक्स्ट है हम लोग का मॉडर्न फिजिक्स, ये टॉपिक जो है 1 मार्क्स के अराउंड के, तो अगर ये टॉपिक्स आप करके जाते हो तो लगभग 8 मार्क आपको मिल जाएंगे। इनमें से कौन सा टॉपिक आपका बचा हुआ है और कौन सा टॉपिक आप लाइक प्रिपेयर कर चुके हो और आप अभी बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हो कि उसका कोई भी क्वेश्चन आएगा एग्जाम में तुम फोड़ करके आओगे, इसके अलावा फिजिक्स की तुम्हारी तैयारी कैसे चल रही है ये तुम कमेंट करके बताना। बाकी वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, सो दैट अपकमिंग कोर्सेज के नोटिफिकेशन तुम्हें फटाफट से मिलते रहे। करेक्ट, बाय एवरीवन एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। WBG PYQ PDA आने वाला है, बहुत ही जबरदस्त वीडियो रहेगा वो। बाय एवरीवन।